D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सुखबीर सिंह। राजस्थान दे विच चोणां नूं लै के लगातार रैलियां जारी ने, जिस दौरान भाजपा के लीडर संदीप वल्लों एक बयान दिता गया सी, जिस दे विच ओह कहिंदे सी कि भाजपा की सरकार आने ते गुरद्वारे ते मसीदां नूं उखेड़िया जाएगा, जिस नूं लै के SGPC दे वल्लों इस बयान की निखेधी की गई ते इस ते कार्रवाई की मांग की गई, जिस तों बाद उस भाजपा के लीडर ने हाथ जोड़ के जिहड़ी माफ़ी मंग ली है। आज चुनावी भाषण में मैं मस्जिद मदरसे की जगह गुरुद्वारे साहिब के बारे में कुछ गलत शब्दों का जो प्रयोग मेरे से गलती से हुआ है, मैं पूरे सिख समाज से मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे नहीं पता मेरे से कैसे गलती हुई है, और ऐसे सिख समाज की जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की हमेशा रक्षा की हो, ऐसे सिख समाज के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसी गलती कर भी सकता हूं। तो मैं पूरे सिख समाज से हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे से पता नहीं कैसे गलती हुई है, मैं इस गलती का कैसे जाकर गुरुद्वारे में मैं पश्चाताप करूंगा। मैं पूरे समाज से, मैं पूरे सिख समाज से हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सत श्री अकाल। तो इस दे नाले SGPC दे वल्लों उन्हां दी इह वीडियो अपने ट्वीट ते सांझी कीती गई आ, जिस दे विच ओह लिखदे ने कि राजस्थान दे तियारां दे विच अपनी पार्टी दी रैली दौरान गुरद्वारियां ते मसीतां नूं उखेड़न दा बयान देण वाले भाजपा आगू संदीप दयामा ने अपने माफ़ीनामे विच कहा है कि मैं मस्जिद मदरासा कहना चाहुंदा सी पर किसे तरह कहा गुरद्वारा। उसनू इस बयान ते शर्म आउणी चाहीदी है क्योंकि मुसलमानां दे धार्मिक स्थानां विरुद्ध बोलना भी गुरद्वारियां वांग ही निंदनयोग है। उन्हां दी वीडियो सांझी करके SGPC ने इस दी निखेधी की है। तां दस दी कि जदों भाजपा दे आगू संदीप दे वल्लों इह बयान जारी किया जाता तां उस समें भाजपा दे कई सीनियर लीडर जिहड़े स्टेज ते मौजूद सन, जिस तरह जोगी नित्यानाथ ते होर भी कई वड्डे लीडर उस समें स्टेज ते मौजूद सन। तो हुण देखना होगा कि इस बयान नूं लैके मुस्लिम भाईचारा इस दे खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है जां फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। निडर हां, निरपक्ष रहां, आजाद हां, सच कहां, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल, सब तो पहलां पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा दी हर सियासी खबर लैके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल। D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਚੰਦਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।